लेडीज़ एंड जनरल, वेलकम टू मोटोरॉयज़। माय नेम इज़ करण। आपके सामने है ये पोलैरिटी की इलेक्ट्रिक मोपेड या इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल, आप जो चाहें इसको कह सकते हैं। इसमें पेडल्स लगे हुए हैं और साथ में इलेक्ट्रिक मोटर भी है। ये इनका एग्जीक्यूटिव रेंज है जिसमें आपको तीन मॉडल्स मिलते हैं, E1K, E2K और E3K। E1K की कीमत शुरू होती है 38,000 रुपये से, E2K 65,000 रुपये और E3K 105,000। तीनों में डिफरेंस ये है कि जो E1K है उसमें आपको 1 किलोवाट का मोटर मिलता है, E2K में आपको 1.5 किलोवाट का मोटर मिलता है और E3K में 2.5 किलोवाट। तो तीनों ही बाइक्स 55 किलो से भी कम हैं। और यहाँ पर आप ये जो डिस्प्ले देख रहे हैं इसमें ब्लूटूथ और GPS कनेक्टिविटी है, तो ये E3K में आपको स्टैंडर्ड मिलती है। हालांकि E1K और E2K में आपको ये ऑप्शनल ख़रीदना पड़ता है। इसकी फंक्शनैलिटी कुछ इस तरह है, यहाँ से आप इसको स्विच ऑन करते हैं तो ये चालू हो जाता है। यहाँ पे आपको बैटरी का लेवल दिखाई देता है, आपको रियल टाइम स्पीड नज़र आएगी और उसके अलावा एवरेज स्पीड, मैक्सिमम स्पीड, बैटरी टेम्परेचर, ओडोमीटर और रियल टाइम। इसमें साथ में आपको 5 स्पीड यहाँ पर मिलते हैं मोटर के लिए, आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं। और यहाँ पर ये एक मोटरसाइकिल जैसा ही थ्रॉटल है जिसको घुमाते ही पीछे का जो पहिया है वो घूमने लगता है। तो आप चाहें तो इसको एक मोटरसाइकिल की तरह, इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल की तरह यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप इसको पैडल यूज़ करके एक बाइसिकल की तरह भी चला सकते हैं। पीछे आपको ये एक गैस चार्ज्ड मोनोशॉक मिलता है जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, एडजस्टेबल है। और ये सारी इनकी जो बाइक्स है उसमें एडजस्टेबल सस्पेंशन लगा है। सामने भी आप फोक्स देखेंगे तो ये प्रीलोड और रीबाउंड के लिए एडजस्टेबल है, यहाँ से आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। और ये एक आप जैसा, अगर मुझे पता नहीं अगर आप ठीक से देख सकते हैं या नहीं, लेकिन ये अपसाइड डाउन फोक्स है जो एडजस्टेबल है और काफ़ी टिकाऊ भी लगते हैं। सामने की तरफ आपको डिस्क ब्रेक मिलता है और ये जो टायर्स हैं ये प्रोटोटाइप में लगे हैं। जब ये मोटरसाइकिल या साइकिल लॉन्च होगी तो इसमें ऑन ऑफ रोड रबर या ड्यूल पर्पज रबर आपको मिलेगा। यहाँ पे सामने आपको LED हेडलाइट मिलती है। और कुछ लोगों के ऐसे सवाल होंगे कि ये बाइक कौन चला सकता है, तो जिनके पास 2-व्हीलर लाइसेंस है वो इसको चला सकते हैं और इसमें रजिस्ट्रेशन भी ज़रूरी होगा, तो आपको ये बाइक रजिस्टर भी करनी पड़ेगी। पीछे की तरफ एक छोटी सी आप देखेंगे टेल लाइट है। और उसके अलावा यहाँ पर आप देखें तो ये स्टील फ्रेम है, इसके अंदर बैटरी वगैरह जैसी चीज़ें हैं। हब मोटर लगा हुआ है तो पीछे की तरफ ही है। पीछे अगर आप देखें तो एक डिस्क ब्रेक भी आपको नज़र आएगा, साइड स्टैंड है। और जो आपके पैर हैं वो, क्योंकि यहाँ पर कोई फुट रेस्ट नहीं है तो पेडल पर ही टिके रहेंगे हमेशा। क्या इस पर 2 लोग सवार हो सकते हैं? फ़िलहाल ऐसा कोई मॉडल नहीं है। अगले साल कंपनी का कहना है कि वो ऐसा कोई मॉडल लॉन्च करेंगी, फ़िलहाल ये सिर्फ एक सवारी के लिए बनी हुई है। यहाँ पर आपको USB चार्जर भी मिलता है और ये नॉर्मल मोटरसाइकिल की तरह स्विच गियर भी है, पास लाइट भी आपको मिलती है। स्विच गियर क्वालिटी वगैरह अगर आप देखें तो थोड़ी और बेहतर हो सकती थी, लेकिन ये प्रोटोटाइप्स हैं तो होपफुली जब प्रोडक्शन वर्जन आएगा तो उसमें थोड़े और बदलाव होंगे। इस बाइक के बारे में अगर आपके कुछ और हमसे सवाल हैं, अगर थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन आपको अगर मैं और दे सकता हूँ, तो जो ई या एग्जीक्यूटिव रेंज है, E1K की जो टॉप स्पीड है वो है 40 किलोमीटर पर आर, E2K 60 किलोमीटर पर आर और E3K 80 किलोमीटर पर आर। तो जो स्पोर्ट्स रेंज है उसकी जो टॉप स्पीड है, S3K जो टॉप मोस्ट मॉडल है उसकी टॉप स्पीड है अराउंड 100 किलोमीटर पर आर। और रेंज बैटरी की यहाँ पर आपको 80 किलोमीटर प्लस मिलती है। दो तरह के चार्जर मिलते हैं, स्टैंडर्ड और ऑप्शनल फास्ट चार्जर। फास्ट चार्जर करीब 2 घंटे लगाता है बैटरी को पूरी तरह चार्ज करने में। जो होम चार्जर है उसकी चार्जिंग जो ड्यूरेशन है वो अभी डिस्क्लोज नहीं की गई है। आप इस बाइक को पोलैरिटी की वेबसाइट पर फ़िलहाल बुक कर सकते हैं और अगले साल 1st क्वार्टर में ये बाइक जो है इसकी डिलीवरी शुरू होगी। और उसके अलावा अगर आपके और कुछ भी सवाल हैं इस बाइक के बारे में तो कमेंट सेक्शन का इस्तेमाल कीजिए। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने मित्रों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। मेरा नाम है करण, ये है मोटोरॉयज़। देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। गुड बाय।